लगातार बारिश के कारण किसानों की फसलें जो सोयाबीन की बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण रोग लग गया, अपना हो गई, फसलें बर्बाद हो गई। मैंने स्वयं 3 दिन से लगातार दौरा कर रहा हूँ, भोपाल, सीहोर, देवास, खंडवा, हरदा का किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के निर्देश पर दौरे किए, मुख्यमंत्री जी भी आज खातेगांव आए हैं, उन्होंने भी निरीक्षण किया है। और इसलिए इस प्राकृतिक आपदा में मध्य प्रदेश की सरकार, जो कि किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, गांव की सरकार है, भाजपा की सरकार है, जिसके मुखिया शिवराज सिंह जी हैं, हम ऐसे संकट के समय किसान के साथ खड़ी है सरकार। और इसलिए हमने सभी जिलों के कलेक्टर को, DDA को निर्देशित कर दिया है कि पूरा कृषि विभाग का, राजस्व विभाग का अमला गांव-गांव जाए, खेतों में जाए, मौका मुआयना करे, नजरिया आकलन करे और गांव के लोगों को साथ लेकर सरपंच पंच को डोंडी पिटवा कर और पंचनामा बना के जितना नुकसान हुआ है उसका पंचनामा बनाए और सार्वजनिक रूप से एक एक किसान का पंचनामा बनने के बाद में ग्राम सभा के अंदर उसको अनुमोदित करें और पंचायत के बोर्ड पर लगाएं, ताकि कोई किसान यह ना कह सके कि हमारा सर्वे नहीं हुआ या हमारे साथ कोई खेत में नहीं गया। ये सरकार किसानों की सरकार है और इसलिए तत्काल हमने ये निर्णय लिया है और पूरे प्रदेश के किसानों को RBC 6-4 में राहत और बीमा का 31 अगस्त तक बीमा की तारीख बढ़ा दी गई है। जो किसान बीमा कराना चाहे, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ग्राम पंचायत में ही कैंप लग रहे हैं, वहाँ जाकर अपनी जमीन जितनी क्या फसल हुई है उसके अनुसार पटवारी से, वहीं पटवारी रहेगा, वहीं ग्राम सेवक, कृषि विभाग के अधिकारी रहेंगे, बैंक के कर्मचारी रहेंगे और अपना बीमा करा सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चालू है 31 अगस्त तक, ताकि अगर फसल खराब होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी से हम दिला पाएंगे आपको। और इसलिए मैं किसान भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि अपने अपने गाँव में रहें, अपने गांव में ही आपकी सरकार आ रही है, अधिकारी कर्मचारी आ रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री के नाते मैं, राजस्व मंत्री और सभी हमारे प्रशासनिक अधिकारी किसानों के साथ खड़े हैं, खेतों में जा रहे हैं, पंचनामा बनवा रहे हैं और किसानों को राहत दिलाने के लिए कट संकल्पित हैं। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी चिंता हमारी चिंता है, आपका संकट हमारा संकट है। ये सरकार ऐसे संकट के समय आप सबके किसान भाइयों के साथ खड़ी है और आपको सारी सुविधाएं दिलाने के लिए कट संकल्पित है। आप किसी के बहकाव में नहीं आए, अपने अपने गांव में, कल हमने हरदा जिले में ग्राम सभा रखी, अपने पंचायत मुख्यालय पर आप सब उपस्थित होइए, अपने खेतों में अधिकारी कर्मचारी हमारे आएंगे, पंचनामा बनाएंगे और आपको सुविधाएं देंगे। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।